फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट। आज हम डिस्कस करेंगे प्लान डिज़ाइन एंड लेआउट का जो थर्ड रिक्वायरमेंट था, प्लानिंग डिज़ाइनिंग एंड लेआउट, उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट लेआउट को प्रॉपर्ली प्लानिंग करके तैयार करना चाहिए, जिसकी वजह से उस लेआउट में मेन मटेरियल्स मेथड्स प्रोसेस सभी प्रॉपर टाइम साइकिल के अंदर स्मूथली फ्लो हो सकता है और एफिशिएंटली यूटिलाइज भी हो सकता है। इसके साथ ही एक गुड प्लांट लेआउट हमें एक्सीडेंटल रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए एक गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि एक गुड प्लांट लेआउट के लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि एवरी वर्कर के लिए वर्किंग एरिया में विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंड डिस्टर्बेंस सेफली काम करने के लिए इनफ वर्क स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि 2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट में आता है कि प्रोसेस एंड प्रोडक्शन में डिले एंड ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए मेन एंड मटेरियल्स के फ्री मूवमेंट के लिए प्रॉपर रोड्स, वॉकवेज, ट्रैक्स, कैटवॉक्स प्रोवाइड करना चाहिए। वर्क एरिया में गुड एंड सफिशिएंट वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स एंड ओपन स्पेस अवेलेबल रखना चाहिए। जब मशीनरी, फ्लोर्स, स्टेयर्स, लिफ्टिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग एक्सेट्रा को इंस्टॉलेशन किया जाएगा, उस टाइम पे सेफ्टी को इंश्योर करने के करके इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। इसीलिए ईच मशीन के अराउंड एटलीस्ट 1 मीटर स्पेस फ्री और एम्प्टी रखना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग को मिनिमम रख के मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग को यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से मैनुअल स्ट्रेन रिड्यूस हो सकता है। सभी वर्क प्लेसेस के पास मूवमेंट करने के लिए सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस रहना चाहिए। मेन एंड मटेरियल मूवमेंट्स के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट्स फैसिलिटेट करना चाहिए। मशीन एंड इक्विपमेंट को परचेज करते वक्त उसमें बिल्ट इन सेफ्टी फैसिलिटीज़ इंश्योर करना चाहिए। जिस एरिया में प्रोडक्शन के दौरान ज़्यादा नॉइज़, वाइब्रेशन, चांस ऑफ फायर, एक्सप्लोजन एंड टॉक्सिक हैजर्ड रिलीज होने का पॉसिबिलिटीज़ होता है, वो सभी एरिया को अलग जगह में थोड़ा दूरी बना के इंस्टॉल करना चाहिए। सच हजार्ड्स को अवॉइड करने के लिए ए वर्क बेंच और ए टेबल और बूथ और रूफ लैडर, प्लेटफॉर्म, सीट सपोर्ट तैयार करना चाहिए। फ्यूचर एक्सपांशन के लिए खाली स्पेस रखना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप प्रोवाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ गुड वेलफेयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्लांट में रहना चाहिए। सेफ्टी के लिए अप्रोप्रिएट कलर्स, नोटिसेस, साइंस, लेबल्स, पोस्चर्स यूज़ होना चाहिए। इमरजेंसी में हेल्प के लिए फायर अलार्म लोकेशन, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, मेडिकल सेंटर, सेफ्टी ऑफिस सभी को इजीली एक्सेसिबल लोकेशन में रखना चाहिए। सेफ्टी के लिए गुड हाउसकीपिंग मेंटेन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये सभी था कुछ जनरल प्रिंसिपल्स एक गुड प्लांट लेआउट का। इस वीडियो को वॉच, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरी चैनल द NC क्वीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।